नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 15 साल से चल रहे केन बेतवा लिंक परियोजना से पानी लेने का विवाद सुलझ गया है। इस परियोजना से नॉन मानसून सीजन में मध्य प्रदेश को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर और यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। लगभग 35,111 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना में 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी 5-5% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वहन करेंगे। आपको बता दें कि विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस MOA पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्ताक्षर किए। वहीं प्रधानमंत्री ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। विश्व जल दिवस के अवसर पर बुंदेलखंड के लोगों को एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने दी है। यहाँ पर लंबे समय से केन बेतवा लिंक परियोजना जो लंबित पड़ी थी, आज उसमें MOU साइन हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर एक समझौता किया है। वो समझौता ये पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में ये पूरा समझौता किया गया है, जिसमें बुंदेलखंड के लोगों, खासतौर पर पेयजल और किसानों के लिए, जो कि बुंदेलखंड के जो सारे जो जिले हैं, खासतौर पर झांसी के जो बुंदेलखंड के जो 4 जिले, यूपी के जो 4 जिले हैं और 9 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, उन जिलों को इस पूरी परियोजना का सीधा लाभ मिलेगा। खासतौर पर उन किसानों को लाभ मिलेगा जहां पर यहां की जो बुंदेलखंड की जो सूखे की जो समस्या थी, पेयजल की जो समस्या थी, किसानों की जो समस्या थी, वो इस परियोजना से कहीं ना कहीं इस पूरा फायदा मिलने वाला है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस परियोजना का खास तौर पर किस तरीके से इंतजार था, कितने समय से इंतजार था और किस तरीके से यहाँ बुंदेलखंड के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, बुंदेलखंड अब नहीं रहेगा प्यासा। ये योजना जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी सोच को आगे बढ़ाया था, और उनकी एक सोच थी कि इस देश में जितनी भी नदियां हैं वो एक दूसरे से लिंक हो जाए, हमारे देश का नदियों का पानी बर्बाद ना जाए। उसी को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर एक बुंदेलखंड को एक नई सौगात, एक बड़ी सौगात दी है। बुंदेलखंड चूँकि पिछड़ा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बुंदेलखंड प्यासा है, बुंदेलखंड में पानी नहीं है, और जब बुंदेलखंड में पानी नहीं है तो हमारा विकास कैसे होगा। बेतवा लिंक योजना से निश्चित ही मुझे लगता है कि बुंदेलखंड की प्यास बुझेगी, बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास और क्षेत्रीय विकास होगा। हमारा जो किसान भाई हैं जो अपनी फसल पैदा नहीं कर पाते थे, अब एक साल में 3-3, 4-4 फसल पैदा कर पाएंगे, तो निश्चित ही बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज विश्व जल दिवस के अवसर पर उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है, और मेरा अपना मानना है कि पिछड़ा बुंदेलखंड इस बड़ी बेतवा लिंक योजना से अब अग्रणी स्थान करेगा, और आने वाले समय में ये योजना जब फलीभूत होगी तो निश्चित ही विश्व पटल पर एक अपना बड़ा स्थान बनाएगा। कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के किसानों की जो बात करें, अगर तो 1-4 दशक हो गए हैं किसान सूखा, खासतौर पर हर इलाके में सूखे से ग्रस्त रहता है, इस परियोजना का इस पूरे सूखे पर कितना असर रहेगा और यहाँ की फसलों को कितना फायदा मिलेगा। देखिए मनी जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है। अभी तक पूरे देश में लोग, जब भी हम जाते थे तो लोग कहते थे कि बुंदेलखंड का किसान भूख से प्यास से मर रहा है, वो आत्महत्या करता था। अब कम से कम उनके जीवोपार्जन के लिए उनकी सब खेती अच्छी होगी तो वो सुदृढ़ होंगे, उन्हें हताश होकर आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहां माननीय प्रधानमंत्री ने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको उनके अंदर जीवटता जो पैदा की गई है, मुझे लगता है कि आज जो बड़ी योजना आई है उससे जीवटता मिली है, किसान फलीभूत होगा, उसकी फसल अच्छी होगी और कहीं ना कहीं वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के लोगों को काफी इस योजना का जो इंतजार था वो कि आने वाले कुछ सालों में ये पूरा का पूरा होगा, जब पटल पे आएगा और इस परियोजना के माध्यम से यहाँ बुंदेलखंड के किसानों और शहर के लोगों पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ा अहम रोल रहेगा। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। विश्व जल दिवस के अवसर पर बुंदेलखंड
इटावा में योगी सरकार के चार साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। चार साल में सरकार ने क्या कुछ किया, इस पर सूर्य प्रताप शाही ने अपना जवाब रखा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और इटावा के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज इटावा दौरे पर हैं। हम आज इनसे जानते हैं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के चार वर्ष हुए हैं और सभी तरह की योजनाएं जो चार वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो की हैं, उनका बाकायदा उसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। हम जानते हैं सूर्य प्रताप शाही जी से कि इटावा जो आज दौरा हुआ है, किस तरह से इटावा के लिए प्लानिंग की गई है और जो अगले 2022 का इलेक्शन है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 को लेकर क्या तैयारी है, जहां एक चार साल पूरे किए हैं पार्टी ने, पांचवी साल किन टास्क के साथ हैं आप और क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो आगे के लेकर प्लान कर रहे हैं आप? देखिए, आज जो है वो मातृशक्ति के लिए जो हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किया है, मिशन शक्ति के रूप में एक विशेष अभियान, जब से मुख्यमंत्री जी सत्ता संभाले तब से महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, इन तीनों मुद्दों को लेकर के विभिन्न प्रकार के उन्होंने कार्यक्रम का संचालित किया था और आज उसी की जो सफलता रही है उसके परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें आज आया हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है और कहीं पर भी ऐसी घटनाएँ होती हैं उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करते हैं। साथ साथ में महिला शक्ति आत्मनिर्भर बन सके, इस दृष्टि से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से या उनके विभिन्न प्रकार के समूह बना करके, और ये प्रयास किया गया है कि योजनाओं का लाभ देकर के उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए और उस दृष्टि से लगातार प्रयास हो रहे हैं और उन योजनाओं का ठीक प्रकार से क्रियान्वित करके उनको सशक्त किया गया है। और राज्य के भीतर हमारी प्रदेश की महिलाओं ने बहुत अच्छे सफलताएँ हासिल की हैं, उनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, उसका उनके उन अनुभवों का लाभ उठा करके अन्य भी महिलाएं उसको के लिए आगे बढ़ें, इसके लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। अच्छा, जहां एक तरफ पंचायत चुनाव के बाद एक तरह से माना जा रहा है कि विधानसभा की घंटी बज जाती है, सारे राजनीतिक दल अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, तो आप लोगों की क्योंकि सत्ता में है, किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई है कि जो हम आगे चुनाव में 2022 में जाएंगे और राजनीतिक दल अपने समीकरणों में लगे हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा के चुनाव के पहले ही लोक कल्याण संकल्प पत्र से एक संकल्प जनता के सामने रखा था और हमारा संकल्प पत्र घोषणा पत्र नहीं था। संकल्प पत्र इस बात के लिए बनाया गया था कि हम इस इरादे के साथ हमने संकल्प पत्र बनाया था कि हम धरती पर उसको उतारेंगे और उसी के अंतर्गत सबसे पहला कार्यक्रम हम लोगों ने किसानों के कर्जे से माफी का किया और बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश के भीतर 86 लाख किसानों के 34 लाख कर्जे माफी किया। हमारी सरकार किसानों के प्रति समर्पित रही है और इसलिए प्रयास हम लोगों ने लगातार रिकॉर्ड खरीदारी हम लोगों ने राज्य के भीतर किया है। एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 378 लाख मेट्रिक टन की खरीदारी करके 66,000 करोड़ रुपए हम लोगों किसानों के भीतर वो खाद्यान्न के रूप में पहुँचाए हैं। प्रदेश में पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दलहन तिलहन की खरीदारी की शुरुआत कराई। तो ये उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही है जिनका कहना है कि गांव गली किसान की बात को लेकर 2022 के इलेक्शन में उतरेंगे। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़ इटावा। अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर कोरोना के मरीजों को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। लखनऊ में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। मिर्जागंज गांव में मिला पहला कोरोना का मरीज। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दुकानदारों और राहगीरों के बिना मास्क के घूमने पर चालान भी काटा गया। उधर लखनऊ में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया गया। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर डीएम पहुंचे और जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, दिशा निर्देश जारी किए। पहले की तरह युद्ध स्तर पर कार्यशील करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने आहूत के स्मार्ट सिटी में समीक्षा बैठक की, रेलवे बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर विशेष नजर के निर्देश दिए। लखनऊ घराने की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना श्रीमती श्वेता वर्मा ने 40वें उस्ताद अलाउद्दीन का समारोह में अपनी कला से समा बांधा। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर परिसर में कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। भाव पक्ष में होली प्रस्तुत करके सभी का मन मोह लिया। 21 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर परिसर में आयोजित
1946 में उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह में लखनऊ घराने की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना श्रीमती श्वेता वर्मा ने कथक नृत्य की प्रस्तुति से वहां मौजूद सभी दर्शकों का मन मोह लिया। उनकी साथी कलाकार ज्योति यामिनी ने भी इनका बखूबी साथ निभाया। इस समारोह में श्वेता वर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत शिव वंदना से की। बलिया में बसंतपुर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के स्थान परिवर्तन होने की सुख बुकाहट पर आक्रोशित सिपाहियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा के पूर्व मंत्री नारद राय के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने हाथ में झंडे बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि अगर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के यहाँ से हटाने की कोशिश की गई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जहां है वहीं रहे, इसी के साथ जल जमाव की समस्या का समाधान ढूंढने की मांग की है। सभा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जिसकी आधारशिला 2016 में 22 दिसंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने रखने का काम किया, सिर्फ आधारशिला नहीं रखा बल्कि धन भी आवंटित करने का काम किया और कार्य भी प्रारंभ करा दिया। हमारी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 बजट में 1 रुपया भी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को नहीं दिया बल्कि 2 दीक्षांत समारोह करके जो रुपया माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था उसका बंदरबांट करने का काम किया, लूटने का काम किया विश्वविद्यालय प्रशासन ने, निर्माण का काम नहीं कराया। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में राजकीय इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों, छात्राओं और आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए गए। उरई के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उधर गोंडा में एक व्यक्ति से दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए की छिनैती की घटना हुई। बैंक से पैसा निकालकर व्यक्ति घर जा रहा था, बाइक सवार बदमाशों ने उससे ये लूट की है। आवास विकास मोहल्ले में बिजली दफ्तर के पास ये घटना हुई। एएसपी समेत पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू करती है। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के आवास विकास की घटना है। उधर मैनपुरी में हमलावरों की लाइव पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। 2 हमलावरों ने नाई के पेट में कैंची घोंप दी। घायल नाई को जिला अस्पताल से बाहर रेफर किया गया। भीड़ ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस के सामने पीटा। दुकान के सामने से गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर कहासुनी के बाद यह हमला किया गया। थाना बेवर के रामलीला मैदान के पास की घटना है। जालौन में पुलिस को चुनौती दे रही है जुआरी। बिना पुलिस के भय के खुलेआम जुए के फड़ सज रहे हैं। जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उरई कोतवाली क्षेत्र राजेंद्र नगर का ये पूरा मामला है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।